Good morning, class 6. We have already read this chapter, The Test of Virtue. Now today we will do exercise and question answer. Let us start the exercise. Exercise time. He picked up their weapons. Weapons kisnut hate at Pandavas. Go and fast, some in a जाओ और कुछ लेकर आओ किस में लेकर आओगे क्यू जिसल तरकश में ना ही ड्रेंक क्या पिया उसने ही ड्रिंक वाटर एंड टाइड वॉट इज द ऑफ वैल्यू ऑफ दोज हु सोज सीड हुट इज द वेटर देन अर्थ मदर वॉट इज नॉट क्लोज इट्स आई वाइल स्लीपिंग फिश है ना ये था ना चलिए फिल ब्लैंक्स नकुल एंड सहदेव व सन ऑफ ये तो किसके बच्चे थे माधुरी के किसके थे माधुरी के अर्जुन पैड नो हीड हीड मतलब ध्यान देना है ना अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया उसने पानी पी लिया गॉड हैज प्रोफाइज डैट यू वुड रीगेन द किंगडम जब वो ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर भीम को आ, भीम अर्जुन सबको देखते ना मरे हुए तब वो कहते हैं ना कि भगवान ने तो पहले ही ये एक घोषणा कर दी थी कि तुम अपना राज्य वापस ले लोगे तो तुम मर नहीं सकते हो ठीक है तो यहाँ पे यू अर्जुन के लिए आया अकॉर्डिंग टू द युदिस्टर नॉलेज इज द मोस्ट वैल्यूबल प्रोसेसन ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रोसेसन है हमारा धन सम्पत्ति है कुंती एंड माधुरी वर टू वाइफ्स ऑफ युदिस्टर्स फादर युदिस्टर के पिता की दो पत्नियाँ थी कुंती एंड माधुरी चलिए ट्रू फॉल्स द पांडवाज फाउंड द स्टैग एंड द किल्ड इट पांडवा को हिरन मिल गया था और उन्होंने उन्हें मार दिया था नहीं वो तो गायब हो गया था ना नकुल वॉज द फर्स्ट टू गो इन द सर्च ऑफ वाटर सबसे पहले नकुल गया था पानी की तलाश में यस गया था नकुलट सैदेव व ट्विंस नकुल और सैदेव जुड़ हुआ थे ट्विंस से बिल्कुल यस भीम गैव ऑल द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द यक्ष बिफोर ड्रिंकिंग वाटर क्या भीम ने सारे आंसर दिए थे नहीं दिए थे अकॉर्डिंग टू युदिस्टर डॉक्टर इज द फ्रेंड ऑफ सिख युदिस्टर के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर है वो सिख का फ्रेंड है यानी बीमार लोगों का दोस्त है मित्र है हाँ है बिल्कुल है ट्रू यक्ष गॉट एंग्री टू लिसनिंग द आंसर ऑफ युदिस्टर यक्ष जो है उसके आंसर सुन के युदिस्टर के आंसर उसके बहुत गुस्सा हो गया नहीं गुस्सा तो नहीं हुआ था तो बहुत बहुत खुश हो गया था तभी न कहा था किसी एक भाई को तुम अपनी जिंदा कर सकते हो करवा लो ठीक है अब क्वेश्चन नंबर डी आंसर विद द रिफरेंस ऑफ कॉन्टेक्ट्स कॉन्टेक्ट मतलब इसमें से पार्ट में से लिया गया उसी में से देख के आंसर हमको करने हैं चलिए फर्स्ट है हमारा डोंट वरी यू विल गेट योर आर्टिकल्स हु हुट दिस लाइन टू वम ये लाइन किसने कही और किसको कही यानी तुम चिंता मत करो तुम्हें अपने आर्टिकल्स मिल जाएंगे सामान मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा अर्जुन सेट दिस लाइन टू ब्राह्मण अर्जुन सेट दिस लाइन टू ब्राह्मण अर्जुन ने ये लाइन कही फिर है आपका क्वेश्चन इसका टू वॉट आर द द आर्टिकल्स स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट स्पीकर मतलब ब्राह्मण कौन से आर्टिकल्स की बात कर रहा था उसके आर्टिकल्स क्या थे सामान क्या था स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट फायर स्टिक एंड स्टफ यानी उसका कुछ फायर स्टिक थी और कुछ सामान था उसका जो भी रहा होगा चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर टू आई वॉन्टेड टू टेस्ट योर वर्च्यू मैं तुम्हारे वर्च्यू का टेस्ट लेना चाहता था एंड आई प्लीज टू सी डैट यू आर द गुड एंड नॉबल और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है कि तुम गुड हो और नॉवल हो बहुत ही अच्छे हो वो स्पोक दीज लाइन एंड टू वोम तो क्या हो जाएगा यक्ष स्पोक दीज लाइन कैसे लिखोगे यक्ष स्पोक दिज लाइन टू तो युदिस्टर देखिए कैसे लिखोगे आप यक्ष स्पोक दीज लाइन टू तो युदिस्टर ठीक है अब हमारा क्वेश्चन वॉट वर्च यू डिड ही सी उसने कौन सी वर्चुअ देखी थी उसमें ही सा हिज फेयरनेस ही सा हिज फेयरनेस फेयरनेस यक्ष ने की देखी थी फिर क्या है डू यू थिंक ही इज ट्रूली नोबल गिव रीजन आपको क्या लगता है युद्धिस्टर रियल में नोबल था उत्तम पुरुष था यस yes, था अच्छा था यस ही वॉज ट्रूली नोबल बिकॉज ही आंसर ऑल क्वेश्चन कामली एंड ट्रूली क्यों उसने सारे आंसर बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ बहुत ही सही सही आंसर दिए चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं ब्राह्मण कैम रनिंग टू द पांडवास पांडव के पास जो ब्राह्मण है वो दौड़ता हुआ क्यों आया कैसे लिखोगे आप ब्राह्मण कैम रनिंग टू द पांडवास फॉर हेल्प ब्राह्मण कम सॉरी ब्राह्मण कैम रनिंग फिर हाउ डिड दैस डेट देयर वॉज वॉटर नियर बाय नकुल ने गैस किया पास में वॉटर है तो कैसे लिखोगे आप नकुल गैस नकुल गैस डेट देअर वॉज वॉटर नियर बाय हियरिंग क्राइज ऑफ वॉटरफॉलोस एंड द क्रेन्स कि पक्षियों पानी के पक्षियों की आवाज सुन के और क्रेन की आवाज सुन के वो समझ गया था कि यहाँ पे पानी है अब लिखा है व्हाट द नकुल सहदेव अर्जुन एंड भीम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना इन चारों के साथ में क्या हुआ था क्या हुआ था वैन नकुल सहदेव अर्जुन एंड भीम वैन टू ड्रिंक वाटर नियर द लेक जैसे ही वो नदी झील के पास पानी पीने गए द लेक ओनर सेट टू दैम लेक का जो ओनर था उन्होंने उसे कहा टू गिव आंसर ऑफ हिस क्वेश्चन उसने कहा मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर दे दो बट दे ऑल वट हज टी और वो बहुत ज़्यादा प्यासे थे चारों के चारों दे वॉन्टेड टू फर्स्ट ड्रिंक पहले वो पीना चाहते थे पानी पीना चाहते थे Water एज soon. पहले वो क्या पीना चाहते थे पानी पीना चाहते थे ठीक उसके बाद है एज सोन लिव टू वाटर जैसे उन्होंने पानी को अपने होटो से लगाया दे टाइड और वो मर गए ठीक है अब है डिड द यक्ष फील आफ्टर द लिसनिंग दुधिस्टर आंसर युदिस्टर के आंसर सुनकर यक्ष को कैसा फील हुआ तो आप कैसे लिखोगे uh, यक्ष फेल्ट डिलाइट यक्ष फेल्ट डिलाइट यक्ष बहुत खुश हुआ आफ्टर लिसनिंग टू द युदिस्टर्स आंसर युदिस्टर के आंसर सुनकर जो यक्ष है वो बहुत ही खुश हो गया फिर से बता दो देख लीजिए यक्ष फैल डिलाइट आफ्टर लिसनिंग टू युदिस्टर्स आंसर ओके चलिए हुज लाइफ डिड यूर आस्क फॉर वाइक जब पूछा गया था यक्ष ने पूछा उससे कि किसी एक को जीवित कर दो तो युधिष्ठर ने किसकी लाइफ के लिए बोला कि हाँ इसे जिंदा कर दो और क्यों कर दो ये भी है ना क्या हो जाएगा युधिष्ठर आक्स फॉर नकुल्स लाइफ युधिष्ठर आक्स फॉर नकुल्स लाइफ बिकॉज ही सैड क्योंकि उसने कहा डैट एज वन ऑफ कुंती सन अलाइव अगर एक कुंती का बेटा जिंदा रहेगा सो मस्ट so मादरीज तो एक मादरीज का बेटा भी जीवित रहेगा ओके हु इज द रियलिटी वॉज द यक्ष एंड वाई ही कैम रियलिटी में यक्ष कौन था और वो क्यों आए थे क्या लिखोगे आप इन रियलिटी धर्म वॉज द यक्ष इन रियलिटी धर्म वॉज द यक्ष एंड ही कैम्प टू टेस्ट ऑफ युदिस्टर्स वर्च्यू और युदिस्टर के वर्च्यू की सत्यता का निष्ठा का टेस्ट लेने आए थे तो ये आपके हैं क्वेश्चन आंसर ठीक है ये देख लीजिए फिर से और यहाँ पे भी देख लीजिए चलिए अब आते हैं हम लोग वाक्य पार्ट में मैच द वर्ड गिविन द कॉलम विथ देयर मीनिंग ओके इनके मीनिंग के साथ में हमको इसको मैच करना है एजिटेशन क्या हो जाएगा डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कॉन्टेंटमेंट बींग सेटिस्फाई विथ वॉट वन हैज ओके कोविटनेस डिजायर टू प्रोसेस पोजेज डिजायर टू पोजेज प्री टब्ड प्री टब्ड क्या हो जाएगा डिस्टर्ब और वरिड डिस्टर्ब और इनविंसिबल कैन नॉट बी डिफेटेड कैन नॉट बी डिफेटेड बीम्ड स्माइल हैपली स्माइल हैपली क्या होता है केस ऑफ एरोज केस ऑफ एरोज गया हो गया आपका अब इधर देखिए राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स तो ये अपोजिट हैं आपके यू कैन सी बड़े ध्यान से देख लीजिए फिर okay. यहां पे देखिए इनविंसिबल का डिफेट भी हो सकता है और डिफेंस लेस भी हो सकता है ओके okay? वेल्थ का पुअर है वेनज अपियर शैलो डीप कंप्लीट इनकम्प्लीट शॉर्ट का लॉन्ग भी हो सकता है और टॉल भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं तो आप इसको करेंगे अच्छे से चलिए फिर लिखा है राइट द स्नोमिन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर चैप्टर से ही हमको क्या करना है स्नोमिन मतलब होता है प्रायवाची यानी उसी सेम आंसर उसी का ठीक है या मतलब उसी का फॉरकास्टिंग मतलब होता है प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी तो प्रोफाइज का भी मतलब वही होता है आप देख लीजिए ये हमको बुक से ही मिला है ना बुक से ही हमको सर्च करना था अब क्वेश्चन नंबर डी है मेक एटलीस्ट द टू स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो ये टू तो वर्ड्स दिए हैं इसी से आपको स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं जस्ट लाइक like ये देखिए हेजिटेशन से टू वर्ड बने स्टेशन और ईट स्टेशन और ईट तो इसी तरह से आप ये, ये जो वर्ड्स है इसे टू स्मॉल वर्ड्स अपने अपने से आप ट्राई करें ओके okay? टावर रिंग जैसे टावर और रिंग हो गया है ना अब हम आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई मेक न्यू वर्ड्स बाय द एडिंग एबल ए सर्फिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स इसमें सर्फिक्स एड करना है सर्फिक्स मतलब जो वर्ड्स के बाद में लगा के उसका मतलब चेंज कर देते हैं तो आंसर का क्या हो जाएगा आंसरेबल वैल्यूएबल एग्रीएबल डिजायरेबल इसी तरह से यहाँ भी आप एबल का यूज कर देंगे अब आएगा ग्रामर इन यूज इसमें हमारा चलेगा यूज दिस इज इन देंटेंस एज यू ठीक है ये हमारे एग्जेक्टिव हैं ठीक है एज प्रिटी एज ए रोज इतना सुंदर जितना की रोज तो इसको आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे कैसे यू आर एज प्रिटी एज ए रोज तुम इतनी सुंदर हो जितनी का जितना की रोज एज हार्ड एज रॉक इतना हार्ड जितना कि रॉक uh, पत्थर ठीक है तो क्या हो जाएगा हिज़ हार्ट यानी कि उसका दिल कितना है कितना कठोर है हिज़ हार्ट इज एज हार्ड एज रॉक तो इसी तरह से ये जो हैं इनकी आप वर्ड्स सेंटेंस मेकिंग अपने आप करेंगे ओके okay? अब चलेंगे हम लोग सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउम तो यू कैन सी देख लीजिए इसको अच्छे से ध्यान से ओह एक मिस्टेक हो गया नो प्रॉब्लम यू कैन सर्च ओके तो ये आपका आज चैप्टर जो है फिनिश हो गया है क्वेश्चन आंसर के साथ में तो कोई प्रॉब्लम हो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स बाय बाय ठीक है